नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मथुरा जनपद के बलदेव थाना क्षेत्र में एक पति ने विवाद के बाद अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना बलदेव थाना क्षेत्र के अवेरनी गांव की है, जहां गांव में जंगलिया नाम का एक बुजुर्ग और उसकी पत्नी निहाल देवी 55 साल रहते हैं। पति पत्नी के बीच काफ़ी समय से आपसी विवाद चल रहा है। शनिवार को हुए विवाद के बाद गुस्साए पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। वारदात के समय मृतका के बेटे ने पिता को देखकर शोर मचा दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आरोपी पति जंगालिया को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के बेटे राजू ने बताया कि घर पर किसी बात को लेकर मम्मी पापा से झगड़ा हुआ था। इसके बाद गुस्साए पापा ने मम्मी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद पापा बस के पीछे जाकर छुप गए। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि मृतका के परिजनों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है। तो देखते रहिए युवराज डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी कात्यायन की ये खास खबर। वैरनी गांव में थाना बलदेव में एक महिला को उसके पति के द्वारा मार करके हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस पर मुकदमा दर्ज करके तत्काल विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या पति पत्नी में कोई कलह है? हाँ, ये सुनने में आया है कि पति पत्नी में आपस में कुछ जो है पारिवारिक विवाद था, कलह थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में घटना। रामवती, कहाँ से हो? नहीं क्या वैरनी के जी, क्या घटना हुई है रात को? जी घटना भैया कल ले आई है जी, हाथरस से। क्या नाम था जो आई है? निहाला। हाथरस से आई है, उसके बाद हाथरस से आई है तो न्याटी आई है तो बुन्ने न्यो कहिए का न्याकाई को मई मत्ती मई कुटती न्याकाई को मई पिटती मई पिटती न्याकाई को आई है तो वो आई है न्याटिया तो बढ़िया तरह से भाई टीवी पीवी 9 बजे तक टीवी देखिए गाने 9 बजे के बाद मीना सोई है 9 बजे के बाद सोई है तो वो जानिएगा जी 9 बजे के बाद में जानिएगा जी सो गई है सोवती वही से काट का किससे काटी है? कुल्हाड़ी से। कई लोग घायल हैं और भी कोई घायल है? दो हैं, एक लड़का है। अच्छा, लड़का और घायल है। तो लगभग कितने दिनों से इनमें विवाद चल रहा था? 15 साल से। अच्छा, 15 साल से पति पत्नी दोनों में विवाद था। हाँ। नो करना है आते क्या नाम है? राजू। राजू कहाँ के रहने वाले हैं? योनी का। अच्छा, जो एक्सपायर हुई है ये कौन है? ये मेरी माता जी थी। कैसे एक्सपायर हुई? जे वो कत्ल कराया है पापा ने। कैसे किया था? कैसे हत्या की जी? हम तो सो रहे थे अपने कवर में बराबर कवरे में, तो एक संग हमारा छोटा भाई है वो चिल्लाया है, उसके हाथ में भी लग गई कुल्हाड़ी। जब देखी ना उन पिताजी के हाथ में लग रही थी कुल्हाड़ी, और लेकर बगल वाले कवर में सो दबक गए थे। तो कुल्हाड़ी से हत्या की गई है? हाँ। फिर इस बात की पुलिस को सूचना दी गई? हाँ मिल गई, और पिताजी को पकड़ लिए भी आए। क्या वजह रही वो हत्या की उन्होंने? अब ये वजह तो हमें नहीं पता है। तो पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया? योनी थे। कहाँ से? कौन सी जगह से? जी घर से ही गया है, अवैनी से ही, यहीं वाले गाँव से, गाँव वाले घर से। घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ। तो क्या लगता है कोई झगड़ा था आपस में, क्या मामला था? हाँ, उन दोनों में पता नहीं किस बात के लिए हो रही थी, हमें तो बताया भी नहीं।